नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। शनिवार की दोपहर लोही गांव की एक नहर में नहाने गए मोनू सिंह पानी में डूबकर हुई मौत के बाद मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। घटना के बाद स्टर्फ की टीम ने शव को नहर से बाहर निकाला था, जिसके बाद शहर के बिछिया पुलिस की टीम ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया था और मोनू सिंह के साथ बहाने गए उसके दोस्त को थाने में बैठा कर उससे पूछताछ करते हुए ज्ञान की जनक शुरू की थी। वहीं अस्पताल पहुंचे मोनू सिंह के भाई ने मोनू सिंह के मौत को लेकर आशंका जाहिर की है। उसका कहा है कि उसके भाई की हत्या की गई है। संजय गांधी अस्पताल पहुंचे मोनू सिंह के भाई ने मीडिया के सामने कई आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके भाई को अच्छी तैराकी आती थी। यूज विश्वास है कि पानी में डूब कर उसकी जान नहीं गाय है, पहले उसे किसी ने मारा है फिर गहरी नहर में फेंक रिया है। इसके अलावा मोनू सिंह के भाई ने बताया कि शनिवार की सुबह तकरीबन 11 बजे मोनू सिंह के दो दोस्त अनिमेश सिंह अनी और उदयराज घर आए थे और वह जबरदस्त ती मोनू सिंह को अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 3 बजे अनी सिंह ने मेरे मोबाइल में फोन किया और घटना के बारे में जानकारी दी। घटना के बारे में सुनकर मैं भी नहर के समीप पहुंचा और जब अनी से पूछताछ की तो वह गोलमोल जवाब देने लगा। मोनू सिंह के सिर पर गंभीर चोट के निशान है और आंखों से भी खून की रिसाव हो रहा था। उन्हें किसी ने मारकर नहर में फेंक दिया है। हाँ जी, नहाने उतरे, उसके बाद फिर काफी मशक्कत लगा, बॉडी निकाली गई। क्या कुछ शंका है आपको, क्या लगता है इस पूरी घटना में? वो तैरने में तो बहुत काफी अच्छे थे, तो डूबने की आशंका तो मुझे नहीं लग रही है। क्या है कि तैरना उनको बहुत अच्छे से आता था। क्या है कि सवेरे 11 बजे अनिमेश सिंह अनी नाम है, उदयराज, तो भैया सो रहे थे घर में, तो उनको जबरदस्ती उठा के ले गए हैं दोनों लोग। और फिर उसके बाद मैं जगा हूँ तो मम्मी बताई कि अनी था और उदयराज था, दोनों लेकर गए हैं, जबरदस्ती लेके गए हैं। और फिर उसके बाद 2:57 में वो अनी मेरे को कॉल किया, बोला कि भैया इसमें डूब गए हैं, नहर में डूब गए। तो फिर मैं नहर पहुंचा और उससे बार बार पूछूं तो गलत सलत जवाब दे रहा था, कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था। संदेह है क्योंकि उतरते तो बहुत अच्छा थे, बाकी मुझे फुल संदेह लग रहा है कि डूबे नहीं। हाँ, ब्लीडिंग अभी हो रही थी उनके सर से, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और आँखों से भी ब्लड निकल रहा था। पीछे सर से चोट का निशान टाइप का था, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। ऐसी संभावना जताई जा रही कि मारपीट? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कि मारा गया हो और फेंका गया हो, क्योंकि तैरने में वो ऐसे एक्सपर्ट थे तो डूबने की तो नहीं, मैं मान नहीं सकता कि डूब सकते हैं वो। उम्र क्या रही? 39 वर्ष के थे।